हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल कपूर और आज मेरी इस किचन में मैं बनाने वाला हूं मेरा फेवरेट आलू के पराठे। और आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले उसके डो को हमें तैयार करना है और उससे पहले हमें अपने हाथों को साफ करना है। होता क्या है कि हमारे जो हाथ हैं उस पर ढेर सारे जर्म्स होते हैं जो हमें ऑब्वियसली दिखाई नहीं देते, इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोना तो ज़रूरी है ही, लेकिन खाना बनाने से पहले भी हाथों को अच्छे से धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डन, वाह, नाइस एंड क्लीन। अब आटा लगाने के लिए सूखा आटा, उसमें जाएगा एक जेनरस पिंच नमक का। इसमें अब हम डालेंगे पानी और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। आटा तैयार है, इसे हम देंगे करीबन 10 मिनट का रेस्ट। आलू पराठे की स्टफिंग के लिए बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, इसमें हम डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, जीरा, साबुत धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर डन, ये है हमारा डो जिसे अच्छा रेस्ट मिल गया है। इसके हम काटेंगे पेड़े, इसे अब हम यूं गोलाकार देंगे। हमारे पास है ये सूखा आटा, इसके अंदर इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे, इसे फैला लेंगे। इसके अंदर हम भरेंगे हमारा आलू का मिक्सचर। पराठे को फोल्ड कर सकते हैं, लाइटली इसे घुमाना है एंड इट्स डन। एक और तरीका है आलू के पराठे को स्टफ करने का, दो छोटे पेड़े आपको लेने हैं, इसे हल्का सा बेलना है, इसे रखेंगे इस तरफ। अब इसे भी हल्का सा फैला लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इसके बीच में स्टफिंग डाल के इसे हम हल्का सा फैला लेंगे, नॉट एक्सट्रीमली टुवर्ड्स दी साइड्स, जस्ट अराउंड द सेंटर एंड थोड़ा सा आसपास। अब ये दूसरा डो इसके ऊपर जाएगा और इसे हम यूं खींच कर दबा कर इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। नाउ इसको यूं सूखे आटे में, इस तरीके से जब आप आलू का पराठा बनाते हैं तो इसकी क्लियरली दो परतें निकलती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही क्रिस्प बनता है। अब एक तवे को हम गरम करेंगे और गर्मा गर्म तवे पर हमारा ये पराठा जाएगा। अब इसे हम पलट देंगे, इस साइड पर पकाएंगे करीबन एक मिनट के लिए ऑन मीडियम फ्लेम, क्विक टर्न। अब इस पे जाएगा घी, इसे करेंगे टर्न। दूसरी साइड पर भी घी या फिर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस लुक्स गॉर्जियस, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आलू का पराठा मस्त मिर्ची मारकर उसकी जो स्टफिंग है और देसी घी के अंदर पकाए हुए हैं, एंड जस्ट लुक एट इट, इसकी जो परत है किस तरीके से आप आराम से खोल सकते हैं, लुक एट दैट इनसाइड एंड फ्लिप इट वंस। गर्मा गर्म आलू के परौंठे, मुझे भूख बहुत लगी, लेकिन खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है।